देख क्या साहब, क्या लग रहा है तू यार, क्या लग एकदम रहा है? अरे सुपरस्टार लग रहा अरे मस्त। है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो भैया जी, काफी दिनों के बाद ब्लॉग ये वाला मैं शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा मैं थोड़ा बिजी रह रहा हूँ लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी स्ट्रगल्स हो रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, मुझे शायद हो सकता है कि कुछ अलग भी काम करना पड़ जाए। फिलहाल हम लोग आए थे इधर सरस्वती हिंदी विद्या स्कूल में, हिंदी विद्या स्कूल ऐसे समथिंग नाम है, क्योंकि आज यहाँ पर यहाँ पे पड़ी है वोट, और मैंने अपनी लाइफ को फर्स्ट टाइम वोट दिया है। और वो वोट किसको दिया होगा आप लोग कमेंट करके बताओ। ये हमारे सहयोगी, किसको दिया वोट बता? अच्छा, अरे जरा वोटिंग कार्ड ही नहीं बना यार, मैंने किसको दिया होगा? हमने मोदी को वोट दिया। अरे जैसा भी डाल उसी में जाएगा भाई। देखो भाई, इन लोगों का ऐसा कहना है, बाकी हमने जिसको दिया है वो हम अभी नहीं बताएंगे। कब बताओगे? जब जीत जाएंगे तब हम बताएंगे हमने वोट किसको दिया है। एंड अभी हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि बहुत सारा गर्मी है यहाँ पे। एक तो आज सूरत में वैसे ही इतना ज्यादा गर्मी है, और ऊपर से इलेक्शन की गर्मी है, पूरा माहौल गर्म हो रखा है। आप लोग को क्या लगता है कि इस पर किसकी पार्टी जीत सकती है? बाकी ये मेरा जो दोस्त है, इसकी ना वोटिंग कार्ड है, और ये वोट देता भी तो किसको देता? अरे अन्य पार्टी को देता। कहीं भी चला जाए डाल दो बस। फिलहाल हम लोगों ने वोटिंग कर दी है, बाकी आप लोग की राय में कौन सी पार्टी जीत सकती है। और मैं आपको दिखाता हूँ एक तगड़ा सा सीन। ये रही वो सीन, हट जा ओए। ये वाली गाड़ी है इन महाशय की, वो डालने के लिए ना, इसी से हम लोग वोट डालने गए थे भाई साहब। क्या बात है, केटीएम है, केटीएम ड्यूक है, क्या बता, पढ़ ले भाई। इसी से हम लोग लास्ट टाइम जा रहे थे संडे को, लास्ट टाइम हम लोग संडे में जाते वाटर पार्क, बट वहां पे रास्ते में ही कुछ निहायती दोस्तों के जो थे विचार बदल गए। अब गाली तो दे सकते हैं, लेकिन इन द ब्लॉग गाली नहीं दे सकता मैं। बाकी आगे चलते देखते आगे क्या माहौल बनता है, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। अभी आज बहुत दिनों के बाद हम नदीम से मिलेंगे। और भाईजान कैसे हो? वोट फॉर कांग्रेस। वोट फॉर कांग्रेस, देख मैं वोट डाल के आइए। देख रायबरेली वाले जिंदाबाद। रायबरेली से मालूम है कौन है? राहुल गांधी। सूरत बाजार को बहुत टिकट ही नहीं मिला, और आधा कार्ड टिकट काट दिए उसका। किसका? राहुल। वो रणनीति है, टिकट बटा ही नहीं। बोल और बोल, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? डाले तो आम जनता है ना। करे तो करे क्या? बाकी नदीम भाई का कहना है कांग्रेस है ना। रेनोवेशन हुआ दुकान का, देख लो कुछ अलग ही लग रही है इस बार। अब लग रहा है थोड़ा माहौल अच्छा अच्छा यहाँ का। बस अब एक डेढ़ महीने बाद बेगम आ जाएंगी हमारी, नदीम भाई जान की, फिर भाभी जान रहेंगी, तो दोनों भाई पबजी मिल के काम करेंगे। शुक्रवार को क्या है? लोग आएंगे। कौन लोग? तकला देखने। हाँ तो शुक्रवार को हमारे इन दूल्हे भाई साहब को देखने आ रहे। ये देखिए, ये दूल्हा है, इसको देखने आएंगे। क्या हमारे लोगों की शादियां हो रही है, और यहाँ एक हमारे ऊपर इतना फैमिली प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं शेयर भी नहीं कर सकता अभी, लेकिन आने वाले समय में आपसे मैं जरूर शेयर करूंगा कि क्या बात। ये सोच लो कि मैं ये जो हंस रहा हूँ सिर्फ आपको देखने के लिए हंस रहा हूँ, बाकी अंदर से मेरे जो दर्द है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोई है नहीं टेबल काउंटर? तो फिलहाल के लिए तो अभी हम लोगों ने वोटिंग कर दी है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट ब्लॉग काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है, तो इंतजार जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। क्योंकि बहुत मेहनत किया मैंने लास्ट ब्लॉग्स में, देख रहे हो। फिलहाल मैं जा रहा हूँ काम पे, बाय बाय।